अगर आप एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि पेशेंट को लेकर स्पेशल। पहली चीज़, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो प्लीज़ डू नॉट डू एक्यूप्रेशर ऑन दैट पेशेंट, बिकॉज अगर आपने कुछ भी गलत पॉइंट प्रेस हो गया तो इट कैन लीड टू एन नंबर ऑफ रिस्क टू मदर एज वेल एज बेबी। सेकेंड इज़ इट द पेशेंट शुड नॉट बी एम्प्टी स्टमक, इट शुड हैड एट लीस्ट हैड समथिंग एन आर बिफोर। अगर बिल्कुल खाली पेट होगा तो भी गड़बड़ हो सकती है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो आप अपन पॉइंट्स दबाएंगे एक्यूप्रेशर के, जो सर्जिक अगर कहीं पे सर्जरी हो रखी हो या फिर कहीं फ्रैक्चर हो रखा हो, यहाँ पे कहीं पुराना जख्म हो, यहाँ पे कहीं स्टिचेस आए हुए हो, प्लीज़ उस जगह को अवॉइड करें। तो ये तीन टिप्स हैं अगर आप किसी से एक्यूप्रेशर करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो इन तीन चीज़ों का विशेष तौर पर से ध्यान रखें। इन तीन लोगों को आपको या इन अवॉइड करना है। अगर यहाँ आपके स्टिचेस लगे हुए हैं तो आप इस पार्ट पर कुछ मत करिए। हाँ, आप रेस्ट ऑफ द बॉडी पर कर सकते हैं बट उस पार्ट को मत छेड़िए, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड एंड इट कैन लीड टू हार्मफुल हैजार्डस रिजल्ट्स रिगार्डिंग एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर से कभी कोई नेगेटिव नहीं होता, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर अगर आपके खाली पेट है, आप बहुत देर तक आपने कुछ नहीं लिया और आप सीधा एक्यूप्रेशर कराने के लिए आ गए हैं, तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।